हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी लोगों ने कोरोना वायरस के बारे में सुना ही होगा, जो कि इस समय चीन में हाहाकार मचाकर रख दिया है। यह कोरोना वायरस चीन के युआन प्रांत से शुरू हुआ फैलना है और इस समय दुनिया के कई देशों में यह पूर्ण रूप से फैल चुका है और बाकी अन्य देशों में जो है यह फैल रहा है। भारत में इसके जो है 3 केसेस देखने को मिले हैं फ्रेंड्स, और वो भी तीनों केस जो मिले हुए हैं यह केरल राज्य में मिले हुए हैं, और केरल के सरकार ने जो है इसको जो है राज्य आपदा घोषित कर दिया है। और मैं बात करूँ जो है चीन में जो है इसमें मरने वालों की संख्या जो है बढ़कर इस समय जो है 560 हो गई है। और बात करें इसके संक्रमण की, तो संक्रमण दुनिया भर में लगभग 28,000 से अधिक लोग जो है इससे संक्रमित हो चुके हैं। इसको देखते हुए चीन ने जो है तत्काल में 1,000 बेड वाला हॉस्पिटल को जो है मुश्किल से मुश्किल 10 दिनों में जो है इसको तैयार कर दिया है, और जिसका उद्घाटन जो है 3 फरवरी को जो है निजी मरीजों को जो है आने के लिए जो है इसको खोल दिया गया है। और फ्रेंड्स, इसमें जो है 1500 बेड वाला जो है अस्पताल जो है नया बनाया जा रहा है, जो कि जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। और बात करें फ्रेंड्स जो है थाईलैंड सरकार ने जो है इसकी दवा को जो है खोज निकालने का दावा किया गया है फ्रेंड्स, है जिसका अभी जो है लैब में परीक्षण चल रहा है, लेकिन किसी अन्य देश की तरफ से जो है इसके बारे में कोई स्पष्ट जो है स्पष्टीकरण नहीं किया गया है। तो दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा फ्रेंड्स, और जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।